ज्येष्ठ अनुभवी बहन, अभी तो आपके वक्तव्य सुन रहे हैं। भाषण सुनना कष्टदायक तो होता है, और एक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि पुस्तक और वक्ता में क्या अंतर है, ग्रंथ और वक्ता में। कोई हम ग्रंथ पढ़ने के लिए लेते हैं तो लगा कि अब रुकना चाहिए, कि कभी भी बंद करके रख सकते हैं। वक्ता जब बोलता है तो सुनना पड़ता है, गला नहीं पकड़ सकते, इसलिए थोड़ा तो सुनना पड़ता है। और इसलिए मैं बहुत आपकी परीक्षा देखूंगा, सहन शक्ति की वो मेरे में देखूंगा। एक महिला समूह में के माध्यम से सभी स्थानों पर इस प्रकार का बृहद आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के का वृत्त सुन रहा हूँ। उस प्रांत में जितने भी सम्मेलन हुए उसमें 1,00,000 बहनें इस कार्यक्रम में आई थी। तो एक बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी संख्या में बहनें आती है, सुनना चाहती है और केवल सुनती नहीं है, उनको करती भी बहुत कुछ है। एक जमाना था कि बहनों का काम सीमित था। एक जमाना, परंतु एक पूर्व का जमाना अगर हम देखेंगे, पूर्व का कालखंड, तो ध्यान में आता है कि एक भिन्न प्रकार की परिस्थिति पूर्व के कालखंड में थी। महिलाओं की भूमिका सामाजिक जीवन में, सामाजिक परिवर्तन में, समाज को बलशाली करने में, समाज को दिशा देने में एक श्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन इतिहास काल में हुआ है। बीच के आक्रमणों के कालखंड में सुरक्षा के नाते कहिए, कुछ बंधन आ गए और उस बंधनों का इतना परिणाम हुआ कि हम सब लोगों का बंधनों के जैसा स्वभाव ही बन गया कि हम तो केवल घर तक सीमित हैं। ऐसा बहनों को भी लगने लगा और बाकी समाज को भी लगने लगा कि बहनों की भूमिका घर संभालना, घर के परिवार की चिंता करना होता है और बाहर के काम सारा पुरुष वर्ग देखते। परंतु ये कालखंड अब नहीं रहता। परंतु कोई भी जब परिवर्तन आता है तो एकदम नहीं आता। अब धीरे धीरे क्रमशः ये सभी स्तर पर एक मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है कि समाज के जीवन के उत्थान में समाज के जो जो भी घटक होते हैं उन सबकी भूमिका है। भूमिका का स्वरूप अलग अलग होगा परंतु भूमिका सब। समाज का एक वर्ग कुछ करेगा और दूसरा वर्ग निष्क्रिय रहेगा, ऐसा संभव नहीं, संभव भी नहीं, उचित भी नहीं, अनावश्यक। जिस प्रकार का एक जीवन शैली में परिवर्तन आया है, नई नई व्यवस्थाएं निर्माण हुई, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ, बहनों की शिक्षा भी होती गई, उच्च शिक्षा में क्षेत्र में गए
और जब शिक्षा प्राप्त होती है तो उसका परिणाम समाज के सामाजिक जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। तो कला के क्षेत्र में महीने गई, साहित्य के क्षेत्र में स्थान निर्माण हुआ, परंतु एक स्वभावतः मूलतः भूमिका है वो छूटी भी नहीं। ये सब परिवर्तन तो आता गया, परंतु प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त एक ऊर्जा एक शक्ति है वो महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। मैं आधा आधा सत्य नहीं आधा कहने वाला हूं। आज के इसका जब हम दृश्य देखते हैं तो पुरुष जो काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, पर महिलाएं जो कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। अब ये है एक, तो आप कहोगे कि क्या पुरुषों को महिला बनाना है? नहीं, महिला नहीं बनाना है, पर महिलाओं को भी पुरुष नहीं बनना है। महिलाओं को महिला ही रहना है और पुरुषों को पुरुष ही रहना है, तब तक समाज की गाड़ी चलती रहेगी। और इसलिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सीमाओं में बांधना है। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार का परिवर्तन आया उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग जगत में, आज कई देश भर में कई स्थानों पर महिलाएं उद्योजक बन गई, कारखानों का संचालन करती है, उद्योगों का संचालन करती है। एक बहुत बड़े नाम का उदाहरण लेकर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। टाटा कंपनी का हमने नाम सुना है, तब टाटा की एक फैक्ट्री, उसमें इंजीनियर चाहिए थे, तो उन्होंने किस प्रकार के शिक्षा चाहिए वगैरह सब लिखा था विज्ञापन में, और अंत में लिखा था महिलाएं इसमें और एप्लीकेशन न करे। अब ये लिखा था, अब एक महिला पहुंच गई वहां पर, ये क्यों? बोले नहीं, हमारे कारखाने में और तीनों पारियों में काम करना पड़ता है, इंजीनियरिंग का काम है, बड़ा हेवी रहता है, परिश्रम का रहता है, मेहनत का रहता है, समय की सीमा नहीं रहती, इसलिए महिलाओं के लिए कठिन रहता है, इसलिए हमने कहा। तो फिर उस महिला ने पूछा, जो करने के लिए तैयार है उसको आपको प्रतिबद्ध है आपका, ये जो सारी बातें आप बता रहे हो वो करने के लिए अगर कोई तैयार है तो आपका विरोध है? पर आज तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, इसलिए विरोध है कि समर्थन है नहीं कह सकते, हम एक अंदाज करते कि नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा, आप मुझसे प्रारंभ कीजिए, अगर मैं आपके काम के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई उस दिन मुझे आप निकाल सकते हो। उस बहन का नाम है सुधा मूर्ति, कि जिन्होंने इंफोसिस को एक खड़ा करने में अपने पति के साथ करी। नारायण मूर्ति नाम सुना है, नारायण मूर्ति से भी ज्यादा लोग सुधा मूर्ति जी को जानते हैं। तो मैंने कहा कि अब उद्योग जगत में आ गई, सामाजिक नेतृत्व करने में आ गई, राजनीति में आ गई। मुझे मालूम नहीं, पर कुछ लोग जो कहते हैं कि अगर राजनीति में महिलाएं आएंगी तो झगड़े कम होते हैं, मालूम नहीं मुझे, मैं अनुभव के आधार पर तो नहीं कह रहा हूं, पर किसी ने कहा कि अगर राजनीति में महिलाएं आ जाएंगी तो झगड़े कम होंगे, क्योंकि झगड़े करने का क्षेत्र अलग है, राजनीति में आकर काम करें। अब मालूम नहीं क्या होता, पर तो एक अनजाने में एक ऐसी छवि बनती गई कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे
उनका अपना एक गांव है रालेगंज शिंदी करके, उन्होंने गांव का विकास किया। उनको मैं मिलने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में चुनाव निर्वाचन नहीं होता है। मैंने कहा तो ये लोकतंत्र के खिलाफ। बोले चुनाव मतलब जैसे पहाड़ होता है वैसे नहीं होता है, गांव के सब लोग बैठते हैं और एक एक का नाम आता है, सब लोग कहते हैं हाँ ये व्यक्ति ठीक है, हो गया चुनाव। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लोग स्वीकार कर लेते हैं, हाँ स्वीकार कर। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि फिर हमने एक और प्रयोग किया कि ग्राम पंचायत की सदस्य सभी महिला बनेगी, पुरुष खेती करे बाकी चार काम करे, ग्राम पंचायत का कारोबार महिला ही चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि गत कुछ वर्षों से हमारी सारी ग्राम पंचायत महिला ही चलाती, सरपंच महिला है। अब प्रश्न आता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हम जा नहीं सकते, हम कर नहीं सकते ऐसा। आज सेना में वैज्ञानिकों में बहने हैं, ये मंगलयान जब छोड़ा गया तो उस मंगलयान का सारा निर्माण करने वाली सब बहने थी, और वो बिल्कुल अपनी परंपरागत जीवन जीने वाली, पूजा पाठ कर्म कांड सब करके घर की बातें संभालते हुए उस मंगलयान के लिए। और जब वो कार्यक्रम मंगलयान का होने वाला था प्रसार, उस समय मंदिर में जाकर पूरी ध्यान पूर्वक पूजा करके फिर आकर उन्होंने इस ग्रह को छोड़ा, मंगलयान को छोड़ने की बात सब। उस पर बाद में एक चित्रपट भी बना, प्रसिद्ध हो गया। तो विज्ञान के क्षेत्र में, युद्ध के समरांगण के क्षेत्र में, पुलिस डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक प्रयोग करने में, कृषि क्षेत्र में, तो ये जो एक दृश्य इतने वर्षों में परिवर्तित होता गया है उसका परिणाम आज दिखाई देता है कि एक सीमा से एक मर्यादाओं में जो जिसको कहा जाता है कि बाढ़ प्रति घर की, किसी भी खेत की बाढ़ होती है, उस बाढ़ उसको उल्लंघन करके बाढ़ है। पर बाढ़ है, बाढ़ नहीं है। हमने कुटुंब की, समाज की व्यवस्था का जो एक बाढ़ होती है उसको तोड़ने की बात नहीं कही, पर उसपे अगर प्रवेश द्वार अथवा द्वार है तो द्वार वो सबके लिए है, तो वो महिलाएं भी द्वार के बाहर आएंगी। द्वार के अंदर करना क्या है, द्वार के बाहर क्या करना है, इसका विवेक। और इसलिए महिला जगत का गत कुछ वर्षों का इतिहास ये बताता है, देश के समाज के परिवर्तन में, उत्थान में, विकास में सबकी भूमिका है, उसमें आप सब लोगों की भी भूमिका। इस भूमिका को समझकर उसके साथ न्याय करने के लिए आगे आने वाले लोग चाहिए। पर यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते उस कामों की उपेक्षा भी ना हो, उसको छोड़ना भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पुणे में एक प्रकल्प चलता है, उस प्रकल्प का स्वरूप क्या है, तो जो माताएं जेल के अंदर है किसी अपराध के कारण सजा हुई जेल के अंदर, उनके बच्चों को संभालने का प्रकल्प चलाया है। तो ध्यान में आता है कि घर में जब मां नहीं है तो बच्चों की देखभाल, उनके सब प्रकार की चिंता करने वाला जो एक घटक है वो माँ है, वो पिताजी नहीं बन सकते। पिताजी जेल में है तो माँ घर संभालती है, माँ अगर तो जेल में चली गई तो घर संभालने का काम पिताजी नहीं कर सकते। अब ये समस्या है। मैंने उदाहरण इसलिए बताया कि भूमिका जो करनी पड़ती है वो भूमिका करने वाला, करने का सामर्थ्य आप लोगों के अंदर ही है।
जीवन को संस्कारित करना है, जीवन को दिशा देना है, परंपराओं के साथ जोड़ के रखना है, ये काम तो आप ही कर सकते हैं। और इस काम के साथ समझौता न करते हुए, परंतु दायरे के अंदर भी न रहते हुए बाढ़ के बाहर भी आना है आज की आवश्यकता। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर बहनों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में होने वाला काम, यह इसका दृश्य अलग बनता है। सेवा का क्षेत्र है कि जहां पर महिलाएं, आप हॉस्पिटल में देखते हो नर्स का काम करने वाली पुरुष नहीं है, वो कर नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार का एक क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन केवल और केवल माताओं के द्वारा होता है, उस काम को वैसे बनाए रखते हुए और समाज के विभिन्न प्रकार के दायरों को प्रभावित करने के लिए बाहर। और इसलिए ये जब तक भूमिका का निर्वहन हमसे नहीं होगा तो समाज के उत्थान में, परिवर्तन में, विकास में कुछ कमी रहने वाली है, इसको समझना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने चार नाम तो कहीं आ सकते हैं, पर जो सबके परिचित नाम होते हैं, ऐसे में चार नामों को लेकर कुछ बात कहना चाहूंगा। अगर शकुंतला नहीं होती तो भरत नहीं बनते। भरत निर्माण करने का काम यह शकुंतला के कारण हुआ, इसलिए इस प्रकार की माताओं की आवश्यकता आज है। वो भूमिका निर्वहन, माँ की भूमिका माँ ही कर सकती है, माँ की भूमिका तो माँ को करना है। मैं महिलाओं की भूमिका से थोड़ा बाहर आ गया, इसलिए माँ अपनी भूमिका छोड़ नहीं सकती। कामों का विभाजन हो सकता है परंतु भूमिका का विभाजन नहीं हो। हम कार्य विभाजन अवश्य करें, भूमिका विभाजन नहीं कर सकते। जो भूमिका का निर्वहन आपको करना है वो आपको ही करना है। और इसलिए एक दूसरे, हमने आप मध्य प्रदेश के लोग हैं तो दूसरा नाम सहजता से जो मुख पर आता है वो अहिल्याबाई होलकर का आता है। एक प्रशासन चलाने का काम होता है, एक राज्य का निर्वहन, राज्य के कारोबार चलाए, एक सफलतापूर्वक चलाए, संघर्ष करते हुए चलाए, विरोधों को संभालते हुए चलाए, पति न होते हुए भी चलाए। और कठोरता जीवन में इतनी है कि अपना बेटा अगर गलत काम करता है उसको दंड करने में कोई संकोच नहीं पड़ता, वो अहिल्या बहन है। ऐसे अहिल्या बाई चाहिए, उसके बिना इतिहास की घटना है। मैं केवल एक संदर्भ के लिए बताना चाहता हूँ, जब लड़ाई हुई तो छोटू वाली ऋषियों के सरदार लड़ने के लिए निकले, अहिल्या बाई की सोची हुई वो बड़े शूरवीर माने जाते हैं। उनका पुरुषार्थ और उनका कर्तृत्व, उनके संघर्ष की क्षमता अद्भुत। उनका स्थान छोटा नहीं था, किसी कारण से विवाद हुआ तो राज्य कब्जा करने के लिए सेना लेकर निकले। तब अहिल्याबाई का उनको एक संदेश कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। पर एक बात याद है, अगर मैं युद्ध में पराजित होती हूँ तो मैं एक विधवा हूँ, एक छोटे राज्य को संभाल रही हूँ, तो मेरे युद्ध में पराजय का किसी को धक्का नहीं लगेगा। लेकिन आपकी पराजय होगी तो एक सोच लीजिए, युद्ध नहीं हुआ।
तो ये एक और पहले वही का कारोबार राज्य व्यवस्था है, अत्यंत आदर्श व्यवस्था उन्होंने बताने का प्रयास धार्मिक श्रद्धा। गलतियों को क्षमा करने वाली नहीं थी, इसलिए अपने स्वयं के अपने फेजे को भी हाथी के पैरों तले कुचलवाने में संकोच नहीं किया, गलत काम नहीं चलेगा। इस प्रकार का एक आदर्श हमारे सबके साथ। तीसरा नाम स्वाभाविक रूप से झांसी की रानी का था। कौन था उनके साथ आप विचार कीजिए, अकेली महिलाओं की फौज खड़ी करने का प्रयास किया, महिला को हम उनके अंतर्गत हम काम करेंगे इस प्रकार की पुरुषी मानसिकता थी, हम इनके अंदर जाएंगे, महिलाएं हमारा नेतृत्व करेंगी, स्वीकार नहीं हो रहा था सर। पर लक्ष्मीबाई ऐसी थी कि जिन्होंने इस बात की परवाह न करते हुए इस देश की रक्षा के लिए इन अंग्रेजों के सामने खड़े होना है, सब प्रकार की दुर्बलता मतलब कमियां होने के दुर्बलता नहीं कहूंगा कमियां थी, सेना की कमी थी, शस्त्र अस्त्रों की कमी थी, साथ देने वाले कम थे, लेकिन एक संघर्ष के लिए आदर्श प्रस्तुत करके गई। इस प्रकार से अपने कल्पनाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए किस प्रकार से शौर्य का प्रकटीकरण हो सकता है आदर्श। एक प्रतीक के रूप में चौथा नाम है, प्रतीकात्मक है, मैंने मंगलायन की बात कही और भी आज कई वैज्ञानिक बहने हैं, सेना के अंदर है, सेना के बाहर भी है, एक प्रतीकात्मक केवल नाम है, केवल वही नाम है, समझ मानिए हम सबका परिचित नाम है, तो इस देश के अंदर कल्पना चावला भी होगी, ये विश्व के मंच पर जाकर एक वैज्ञानिक के रूप शोध के रिसर्च के क्षेत्र में कदम डालकर अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने के लिए गई, अपने जीवन की परवाह न करते हुए गई ऐसी। फिर प्रश्न आता है कि ये अगर आदर्श है, इस प्रकार के आदर्श सामने रखकर मातृशक्ति आगे आए, विकास के योगदान में अपनी भूमिका तय करे, आज लड़ाई की आवश्यकता नहीं है, आज किसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, देश का नेतृत्व कर सकती है, देश को समाज को दिशा दे सकती है, हम अपने स्व को पहचान कर स्व को जितना हम जानेंगे उसके आधार पर हम अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए सिद्ध हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी शक्ति, इस शक्ति के प्रकटीकरण संख्या के रूप में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि एक भूमिका के निर्माण में आप सबकी शक्ति का दर्शन हो, इसी प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया। वैसे तो मैं अतिथि हूँ, आपके इसमें योजना में मेरा नाम नहीं, पर हम जैसे लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की आदत है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर आ गया, आने का अवसर दिया, इसके धन्यवाद देते हुए और आप सबको नमस्कार करते हुए।